ओके दोस्तों, अभी बस मैं लैंड कर रहा हूँ मालदीव में, और ये उनका एयरपोर्ट है। आई जस्ट केम आउट आउटसाइड, मुझे लगा कि मुझे आपको ना ये व्यू दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो मेरे पीछे इतना साफ पानी है, आप देखते रह जाओगे। आप अपने अपने इंडिया में इतना साफ पानी बड़ा कम देखने को मिलता है, इट्स कम्प्लीट ब्लू। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मेरी फ़्लाइट लैंड की, ऑब्वियसली जो इधर का इमिग्रेशन प्रोसेस है, आपको वीज़ा ऑन अराइवल ही मिलता है, आप पहले से वीज़ा नहीं देते हैं। तो वो आपको वीज़ा यहाँ पे देता है। जो रिक्वायरमेंट है वीज़ा के लिए, आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपका कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। इससे आप 3 दिन के लिए आ रहे हैं तो 3 दिन की कन्फर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, आप booking.com पे जाके बुक करा के विदाउट पेइंग यू कैन कैंसिल आउट ऑफ। तो क्या होता है कि वो लोग चेक नहीं करते हैं कॉल करके कि हाँ आपकी बुकिंग है या नहीं है, आपने कराया और उसके बाद आप कैंसिल भी कर सकते हो अगर आप अलग अलग होटल में रुकना चाहते हो। बट उन्हें दिखाने के लिए आपके पास जितने दिन आप रुक रहे हो उसकी कन्फर्म बुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक दिन की बुकिंग करा लियो वो दिखा दो और बोलो कि 2 दिन की इधर उधर करानी है, तो वो आपको परेशान करेंगे। तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए, तो एटलीस्ट 2 पन्ने खाली होने चाहिए, 2 पेज खाली होने चाहिए, और जो रूल है उसके हिसाब से $100 प्लस 50, और आप जितने दिन रुकने वाले हो, जैसे मैं 3 दिन अगर रुकने वाला हूँ तो $100 अलग से और 50 × 3, तो टोटल 100 + 150, इट मीन्स $250 आई शुड हैव। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा बिकॉज वो लोग दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप यहाँ पर अगर टूरिस्ट आए हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी कैरी करो। माई सजेशन इज़ लाइक आप कन्फर्म होटल बुकिंग रखो, अगर आप 3 दिन के लिए आ रहे हो तो एटलीस्ट $400, अगर आप 4 दिन के लिए एटलीस्ट $500-600 आपको कैरी करना बहुत ज़रूरी है। आप मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं 3 दिन के लिए आया हूँ बट आई वॉज कैरिंग $700 और मेरी 3 दिन की होटल कन्फर्म बुकिंग है, तो इट वॉज जस्ट लाइक अ नाइफ एंड बटर, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था इमिग्रेशन। अभी मैं बाहर आ गया हूँ, मैंने करेंसी एक्सचेंज कराया, इनकी करेंसी है रुपया एंड 4 रुपये इज इक्वल टू 1 रुपया। तो अगर आप अपना डॉलर कन्वर्ट कराओगे तो $1 में 15 रुपया ये लोग आपको दे देते हैं लोकल करेंसी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बैंक से ना निकालें बिकॉज बैंक में जो ट्रांजेक्शनल चार्जेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप एक्सचेंज से ही कन्वर्ट करा लें, ज़्यादा मनी ना कन्वर्ट कराएँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पर हर जगह ना डॉलर चलता है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप छोटे छोटे लाइक $1, $2 ऐसे करके अगर आप मिनिमल करेंसी लेके आए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी बस मैं बाहर आया हूँ, अभी देखते हैं, बहुत अच्छा व्यू था, मैं मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो अभी बस एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे पूरा मालदीव, मैं आपको अपने साथ रखूँगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग दैट एंड विल गो। सो द प्लान इज़ लाइक आई गो टू माले बाई यूजिंग फेरी विच वी कैन टेक फ्रॉम हेयर टू माले। माले में मैंने होटल बुक किया हुआ है, तो देखते हैं जी, चलिए।